गुड मॉर्निंग, हाय गाइस, मैं हूँ वसुंधरा और कर रही हूँ अपनी सुबह की शुरुआत। ये मैंने जो है खाली पेट 3 वॉलनट लिए हैं, और मैं बता दूँ कि थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए वॉलनट बहुत अच्छे होते हैं, तो आप भी लेना शुरू कर सकते हो, ठीक है। और उसके वॉक में जाने से पहले मैं यहाँ पर जो है कुछ प्रिपरेशन करके जा रही हूँ, हमेशा ही करती हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो हड़बड़ी में चीज़ें छूटे ना। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ मूंग दाल और ओट्स का डोसा, जिसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिए, तो मैंने इसमें से खीरा हटा लिया क्योंकि मेरे पास लौकी थी। तो हम इन पूरी चीज़ों से हमारा डोसा बनाने वाले हैं। तो अब हम आ चुके हैं, इस वक्त कुछ 6:45 का टाइम हुआ है, आज मैं लेट हो गई हूँ 15 मिनट, ठीक है। तो बस वॉक कर रही हूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ अपने ये प्यारे प्यारे सोसाइटी के जो सुंदर फूल हैं, जो कि जो है कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। जब होते हैं तब मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, मैं इनकी फ़ोटो क्लिक्स करती हूँ, इनके साथ वीडियो बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। तो चलो फिर वॉक शुरू तो करते हैं। यहाँ से मैंने शुरू कर दी है अपनी वॉक। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। मैं जल्दी से हार मानना पसंद नहीं करती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो जाते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो अपने आप को टाइम देना चाहती थी ऐसे, और मैं आपके साथ में सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से अपनी जो है शुरू कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो मैं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करूँ कि मेरे साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स को कट करके ये वीडियो बना रही हूँ। मैं सच में चाहती हूँ कि मैं अपनी चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, ताकि मेरा दिल हल्का हो। मैं अपना दिल और दिमाग हल्का करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। मैं कभी भी गैप नहीं लेना चाहती हूँ YouTube से। YouTube मेरी बहुत बड़ी मेहनत है 4 साल की, बट अगर मैं गैप लेती हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। कभी कभी मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, कभी कभी मुझे भी एक ऐसे टाइम की ज़रूरत होती है कि मैं अपने आप को टाइम दे सकूँ, चाहे मुझे अकेला बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो है रेसिपी शुरू कर लेंगे, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे आराम से बैठ के बताऊंगी। इसमें मैं आपके साथ में सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो भी मेरे साथ इन दिनों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह सारी कट हो चुकी है, चॉप कर ली है मैंने, और ये मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। चटनी के लिए जो मूँगफली होती है, फिर जो ग्राउंडनट होता है, उसको जो है हल्का सा सेक रही हूँ, और ये मैंने अपने ही बगीचे से तोड़े हैं कड़ी पत्ते, और बड़े क्यूट क्यूट से हैं। इनको धो के थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, और ये है चटनी का पूरा सामान, ठीक है। इन्हें हम लोग पीसेंगे और बाद में तड़का लगाएंगे, बहुत सिंपल होती है अगर एक बार आ जाए तो। और ये जो मैंने ओट्स भिगोया हुआ था, उसको भी मैंने जो है ग्राइंड कर दिया है, और यहाँ पर जो मेरी दाल थी और जो सब्जियाँ थी उन सबको मैंने एक साथ नमक, हरी मिर्च और लहसुन अदरक डाल के उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और साइड में थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैटर बना हुआ है, तो इसमें मैंने ओट्स ऐड किए हैं, यानी कि ओट्स का जो बैटर था वो 2 स्पून ओट्स का बैटर और 2 स्पून दाल वाला बैटर, यानी कि दाल और वेजिटेबल वाला बैटर। ये जो इडली है वो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसको डोसा नहीं खाना था, तो मैंने उसी में ही थोड़ा सा मिक्स करके उसको दे दिया है, क्योंकि बच्चों को भी ये चीज़ खानी चाहिए, ये हाई फाइबर और प्रोटीन होती है। तो जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ वो मैं उसको देती हूँ, मैं उसके कहने पे कभी भी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, तो उसके माइंड को पढ़ के मैं चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन वो होती हमेशा हेल्दी हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अक्सर हमें बच्चों की ज़िद माननी पड़ती है, तो कभी सुबह मैगी बनानी पड़ रही है, कभी कुछ, तो उस चीज़ में थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मन मर्जी कर सकूँ, और उसकी भी मन की हो लेकिन मर्जी मेरी हो कि इसमें डलेगा क्या, है ना। तो ऐसा करती हूँ, कभी कभी मैं भी हार मान जाती हूँ, बट मैं कोशिश जो है करती रहती हूँ कि चलो बच्चे के पेट में जो है सबसे पहला जो खाना है वो हेल्दी ही जाए, ठीक है। तो बस फटाफट से जो है मैंने जो इसका जो बर्तन होता है, भगोना जो होता है, उसको मैंने गैस पे ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है और इसको सेट कर दिया है। अब ये देखो यहाँ पर मेरा अच्छा खासा भगोना रेडी हो रखा है, और ये बहुत गर्म हो रखा है। अब जो ये प्लेट्स हैं वो हम लोग इसमें लगा देंगे, और कम से कम भी 15 मिनट के लिए, क्योंकि दाल है टाइम लेगी सिकने में, 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो उसके बाद हम लोग डोसे की प्रिपरेशन पे आ जाएंगे। तो चलो फिर डोसा बना लेते हैं। तो यहाँ पर
जो है मैं चटनी कर रही हूँ, और चटनी मैंने जो है घी ऐड किया है। बेसिकली लोग जो है तेल करते हैं, मैं तेल नहीं करती, मैं घी ऐड करती हूँ मेरे खाने में। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड सीड्स को जो है चटका लिया है, और इसके बाद हमारी ये जो ये पत्तियाँ हैं, जो करी लीव्स हैं, वो डलेंगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमने इसमें, आप नमक डाल दो हल्का सा, स्वाद के हिसाब से ओवर नहीं होना चाहिए, और हल्की सी मिर्च, क्योंकि हमारे घर मिर्च लोग कम खाते हैं। इसमें आप लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हो, यानी कि जो साबुत लाल मिर्च होती है वो। और यह है हमारा चटनी वाला बैटर, इसमें इस तड़के को मैं डाल दूंगी और ढक के छोड़ दूंगी। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, तो ये चटनी बनाना बहुत ईजी होता है। तो चलिए फिर इसको फटाफट से तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है तड़का लग चुका है, तो मैंने इसको साइड में कर दिया। अब मैं बनाने जा रही हूँ डोसे। तो आप जो है ये डोसे को थोड़ा सा पतला भी रख सकते हो, इसमें वेजिटेबल्स हैं, और आप जितना रनी चाहो आप उसको बना सकते हो। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ही कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास पैन जो है वो थोड़ा चौड़ा है, तो मैं थोड़ा सा इसको फैला सकती हूँ। बस इस तरीके से फैला के इसको मैंने ढक देना है, ढकने से जल्दी पकेगा, ठीक है। और उसके बाद में उसको पलट देना है। आप इसमें चाहो तो जो है बच्चों के लिए चीज़ भी डाल सकते हो, चाहो तो पनीर डाल सकते हो, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखो कितने अच्छे से पक के जो है रेडी हो चुका है। तो आप इसको अचार के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ। और ये है हमारा ओट्स का बैटर, ठीक है। तो अब ओट्स वाला डोसा बना लेते हैं। मैं एक एक चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए मैं आपको डालते हुए नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये है हमारा ओट्स वाला डोसा, बहुत हेल्दी है, हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन है, और आपको वेट लॉस बहुत देगा। मैंने अपनी डाइट में जो है इस तरह की चीज़ें हमेशा लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं। और इसके मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं वो मैं आपको आगे जाके बहुत चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो चलो फिर मैं अपने दो ओट्स के डोसे बना लेती हूँ, और दो दाल वाले डोसे बना लेती हूँ। तो और बाकी जो इडली भी उतारनी है हमें, तो चलो फिर प्लेटिंग के टाइम पे मिलते हैं। तो ये देखो रेडी हो गया है। तो ये प्लेट है मेरी हस्बैंड की, तो उन्होंने चटनी ली है, दो इडली ली है, और घर की बनी हुई चटनी ली है, और दो डोसे लिए हैं। तो ये हो गया ना कमाल वाला लंच। कि मेरे मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ और वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाती है। मेरा ध्यान, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा ध्यान कहाँ है, मैं क्यों इतनी मतलब पिछले लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट 2-3 मंथ में ही मैंने जो है 1-1 वीक का गैप लिया है, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था बिल्कुल भी। बट कहते हैं ना कि मुझे भी पुश की जरूरत पड़ती है, मुझे भी वो पुश चाहिए होता है कि यस मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। एंड आप सबको पता है कि मैं अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, अपने चैनल के लिए मैं जो बेस्ट चीज़ कर पाऊंगी वो मैं कर रही हूँ। लेकिन एक्चुअली पता हो क्या रहा, हो ये रहा है कि मैं शूट करती हूँ, तैयार होती हूँ अच्छे से, एक पॉजिटिव माइंड के साथ रेडी होती हूँ कि आज मैंने वीडियो शूट करनी है, रात को एडिट करनी है और सुबह डाल देनी है। आपको पता है कि ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ जो है सुबह आती हैं, तो क्योंकि सारा दिन शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं नहीं एडिटिंग कर पाती हूँ। तो मेरी बेटी जब सो जाती है एट दैट टाइम, रात के टाइम समय 10 बजे के बाद मैं थोड़ी फ्री होती हूँ, तो आर भी अपने पापा के साथ में थोड़ी सी बिजी होती है, तो एट दैट टाइम मुझे टाइम मिलता है कि मैं वीडियो एडिट करूँ, थंबनेल बनाऊँ और नेक्स्ट डे आप लोगों को वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो सिचुएशन ये हो रही है कि मेरी वीडियो मैं शूट तो करती हूँ पॉजिटिव माइंड के साथ में, बनाती भी हूँ, मतलब कि बनाने बैठती हूँ, रेडी होती हूँ, कंटेंट रेडी होता है, टाइटल रेडी होता है, सब कुछ रेडी होता है। शूट बीच में करते करते मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं अपने जो मेरा कंटेंट है मैं उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। एकदम से पॉजिटिव माइंड से सब कुछ स्टार्ट करती हूँ और एंड होते होते मेरा पता नहीं ध्यान कहाँ चले जाता है, मैं एकदम डिप्रेस हो जाती हूँ। 100 चीज़ें चल रही होती हैं, यूट्यूब के बारे में चल रहा होता है, व्यूज़ के बारे में चल रही होती है दिमाग में चीज़ें, लाइफ में भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, आपका अपना शेड्यूल है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं बिल्कुल भी गैप नहीं लेना चाहती हूँ यूट्यूब के किसी भी वीडियो से, लेकिन मेरा, मैं कैसे बताऊँ, मैं खुद नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो देख के कोई भी डिप्रेस हो,
क्योंकि मैं खुद डिप्रेसिव पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी जो है मुझे एक अजीब सी डिप्रेशन सा मुझे हो जाता है और मैं अच्छे खासे कंटेंट की बैंड बजा देती हूँ, एंड करते करते वो वीडियो एंड ही नहीं हो पाती है। मैंने कई सारी रेसिपीज जो है बना बना के, जो भी मेरा डेली रूटीन है सुबह का जो भी है, काफी सारी मैंने जो है वीडियो बना बना के रखी हुई है, लेकिन वो सारी की सारी आधी अधूरी है। किसी का भी गुड बाय नहीं है, किसी का एंडिंग नहीं है, किसी की प्लेटिंग नहीं है। तो ऐसे करने से ना मेरा दिमाग इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, मेरा मन करता है कि यार चल छोड़ दो, मुझे नहीं करना, भाड़ में जाए, मुझे नहीं बनानी वीडियो, मुझे बस अपने आप को टाइम देना। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रखी हूँ, मुझे पता मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ आप लोगों को कि यूट्यूब मेरी जान है, यूट्यूब पे मैंने बहुत मेहनत करी है, यूट्यूब पे मुझे 4 साल हो चुके हैं। जी हाँ, जनवरी में मैंने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इस 4 साल की मेहनत बहुत ज़्यादा है और मैं छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में अपने यूट्यूब को बर्बाद नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सही नहीं हूँ, अगर मेरा मेंटली स्टेट सही नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, अगर मेरा माइंड चाहता है कि मैं थोड़ा सा गैप लूँ, अपने आप को फिर से बूस्ट करके वापस आऊँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि आई शुड गिव माई सेल्फ टाइम। तो मुझे अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, तो इसलिए मैं बीच में गैप ले लेती हूँ। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंटली अगर मैं ऐसे गैप लूंगी, तो जो मुझे देखने वाले लोग हैं उन्हें भी जो है थोड़ा सा लगेगा कि ये हार मान रही है, या YouTube से अब इसका मन भर चुका है, YouTube में कुछ नहीं रखा। जबकि मैंने हमेशा आपको बोला है कि YouTube रातों रात कुछ नहीं देता, धीरे धीरे देता है, लेकिन जब देता है चप्पड़ फाड़ के देता है। तो मेहनत बहुत है, 4 साल की मेहनत है, नहीं गंवाना चाहती, धीरे धीरे करके वापस आती रहूंगी। कंटेंट आपका हमेशा काम का होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है अपने आप को गैप दे देती हूँ। जब मैं सही नहीं होती हूँ तो मैं वीडियो नहीं डालती हूँ उस समय पे, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मेरी सारी वीडियोस रेसिपीज की वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन उसकी एंडिंग, उसका स्टार्ट पता नहीं कहाँ चले जाता है, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाती, जिसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। क्योंकि जब यार जाहिर सी बात है सर शुरू कर दिया, पूंछ मैंने बनाई नहीं है, तो वो बता के क्या करूंगी उस चीज को, एंड ही नहीं है उस चीज का, कोई पर्पस ही नहीं है वीडियो बनाने का, तो समझ ही नहीं आता। दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है आपके, फिर आपके पास घर के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे का स्कूल रूटीन है आपका, हस्बैंड का ऑफिस रूटीन है आपका, आपका घर का अपना खुद का रूटीन है, उसमें फिर मैं अपने आप को इतना इंडल्ज कर लेती हूँ, इतना इन्वॉल्व कर लेती हूँ कि मैं थोड़ा सा फिर टाइम देती हूँ अपने आप को। तो मुझे भी पुश की जरूरत है, और मैं भी देखो हूं तो मैं भी इंसान ही, और मुझे भी उतनी ही पुश की जरूरत है। मैं आप लोगों से पुश चाहती हूँ कि प्लीज मुझे पुश कीजिए, क्योंकि मेरा दिमाग इन दिनों बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे खुद नहीं पता है, मैं आपको हंसती भी दिखाई दे रही हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें, तो इस वक्त थोड़ा सा टाइम लेना चाहती थी और इस चीज की मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब मुझे अगर कोई टॉपिक शुरू करना है तो मुझे एक बार आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि यस मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, इसलिए मैंने गैप लिया है, इसलिए मैंने गैप लिया है इस चीज़ से। तो अदरवाइज आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मुझे पता है कि मेरा कमबैक अब होकर ही रहेगा। चलेगा वो जो 10-15 दिन का जो मुझे गैप चाहिए था वो मैंने ले लिया है, नाउ आई एम ओके। जो जैसा भी होगा वीडियोस डालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, और बस मुझे थोड़ा सा बूस्ट चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़ के मुझ में एक पॉजिटिव एनर्जी आए और मैं अपने यूट्यूब में दोबारा फिर से एक तगड़ा कमबैक कर सकूँ, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स, मतलब आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, धीरे धीरे वीडियोज आएंगी। तो चलो फिर आज की वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, और क्योंकि नेक्स्ट इस वीडियो के बाद से मैं आपको प्रॉपर जो है चीज़ें दिखा पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी वीडियो है वो 11 मिनट समथिंग की हो चुकी है, तो इसमें तो कुछ भी चीज़ इन्वॉल्व करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो आगे से आपको वीडियोस रेगुलर आने की पूरी पूरी चांसेस हैं, मुझे विश मी लक कि मैं दोबारा फिर से इतना लंबा गैप ना लूँ, ठीक है। तो चलो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
अपना ध्यान रखिए, यही कहूंगी, और यस अपने आप को टाइम दीजिए। तो चलो फिर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप पुराने हैं और मुझे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक का बटन जरूर दबाना। आप लोगों का लाइक, आप लोगों का शेयर, आप लोगों का कमेंट हम जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनको बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। तो बस यही चाहती हूँ, और तो बस सब ठीक है, और सब ठीक ही रहेगा, भगवान की है, दया है। और आज है लोहड़ी, तो आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल है मकर संक्रांति, तो आप लोगों को मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो। बाय गाइस।